नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल द पॉइंट ऑफ स्टडी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कृषि इनपुट अनुदान आवेदन बिहार की। साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार ने यह निर्देश दिया कि किसानों के खाते में शीघ्र भेजे कृषि इनपुट अनुदान की राशि। वहीं नीतीश कुमार ने सभी तरह की राशि भुगतान की गहन समीक्षा की, जिसमें राशन कार्ड के आवेदनों की जांच 3 दिनों में पूरा करने को कहा। साथ साथ जितने भी बिहार के लोग बाहर फंसे हुए हैं, उन सभी को आवेदनों को जांचकर उनको शीघ्र से शीघ्र भुगतान करने का संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मार्च में असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से किसानों को हुई फसल क्षति के भुगतान के लिए 518.42 करोड़ रुपए की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है, जिससे प्रभावित किसानों के खाते में कृषि इनपुट अनुदान के रूप में सीधे हस्तांतरित किया जाना है। इस संबंध में पदाधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया कि किसानों के खाते में यह राशि शीघ्र भेजें। रविवार को राशन कार्ड और बाहर फंसे बिहारियों को सहायता राशि दिए जाने की सीएम ने गहन समीक्षा की और मुख्य सचिव समेत अन्य पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि जितने लोगों के राशन कार्ड के आवेदन अस्वीकृत हो गए हैं या लंबित है, उन सभी आवेदनों को पुनः समीक्षा करें। ऐसे राशन कार्ड जो स्वीकृत हैं और किसी कारण से निर्गत नहीं हुए हैं, उनका भी शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नीतीश कुमार ने साफ साफ निर्देश दिया कि जितने लोगों के राशन कार्ड हैं उन सभी को, या जितने लोग राशन कार्ड के लिए आवेदन किए हैं उनका यदि आवेदन अस्वीकृत हो गया है या किसी कारण से लंबित है, तो उन सभी आवेदनों को फिर से समीक्षा करें और जिसका राशन कार्ड सही है उन्हें राशन कार्ड निर्गत करें। और ऐसे राशन कार्ड जो स्वीकृत हैं और किसी कारण से निर्गत नहीं हो पाया है, उनको भी शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें। साथ ही साथ यह भी बताया कि छोटी छोटी तकनीकी गड़बड़ियों को दूर कर आवेदनों का निष्पादन करें, ताकि योग्य लाभार्थियों को कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र सरकार द्वारा दी जा रही सहायता या राहत का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया कि यह छोटी छोटी तकनीकी गड़बड़ियों को जल्द से जल्द दूर करें, ताकि जो भी लाभार्थी कोरोना संक्रमण के लाभार्थी हैं उसके लिए सरकार के द्वारा जो सहायता या राहत का लाभ मिल रही है उनको जल्द से जल्द मिल सके। साथ ही साथ यह भी कहा कि आवेदनों की जांच 3 दिनों के अंदर पूरा करें। आगे उन्होंने निर्देश दिया कि लॉकडाउन के कारण बिहार के जो लोग अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, उनसे प्राप्त आवेदनों की तेजी से जांच करें और सहायता राशि 1-1 हज़ार आवेदकों के खाते में भेजें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर साफ निर्देश दे दिया है नीतीश कुमार ने और स्पष्ट रूप से बताया गया कि लॉकडाउन के कारण बिहार के जो लोग अन्य राज्य में फंसे हुए हैं, उनसे प्राप्त जो भी आवेदन उन लोगों से प्राप्त हुआ है ऑनलाइन के माध्यम से, उनकी तेजी से जांच कर और उनको जल्द से जल्द सहायता राशि के रूप में 1-1 हज़ार उनके खाते में भेज दें। फ्रेंड्स, यहां पर जानते हैं सीएम का निर्देश क्या क्या है। तो सीएम ने सभी तरह की राशि भुगतान की गहन समीक्षा की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राशन कार्ड के आवेदनों की जाँच 3 दिनों में पूरा करने को कहा। मुख्यमंत्री ने बिहार के लोगों से अपील किया कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, सरकार हर स्तर पर सहायता के लिए पूरी तरह तत्पर है, आप सबके सहयोग से ही इस महामारी से निपटने में सफलता मिलेगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के द्वारा यह लोगों से अपील किया गया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने देखा कि नीतीश कुमार के द्वारा क्या क्या निर्देश दिया गया पदाधिकारियों को। सबसे पहले तो आपका जो किसानों के लिए कृषि इनपुट अनुदान है उनके लिए अच्छी खबर है। दूसरा, उनके लिए यह खबर है जो बिहार से बाहर में फंसे हुए हैं, उन लोगों का भी आवेदन का जो भी आवेदन सबमिट हुआ है उनको पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि उन सभी को तेज़ी से जाँच कर और सभी लाभुकों के खाते में 1-1 हज़ार रुपये भेज दिया जाए। तीसरा, यह लाभ हुआ कि जो लोग राशन कार्ड अप्लाई किए थे और राशन कार्ड अस्वीकृत हो गया या किसी कारण से लंबित है या किसी और कारण से उनका अभी तक राशन कार्ड निर्गत नहीं हुआ है, तो नीतीश कुमार ने यह निर्देश दिया कि सभी आवेदनों की फिर से समीक्षा करें तथा जल्द से जल्द समीक्षा कर उन लोगों को राशन कार्ड दे तथा इस कार्य को निष्पादन सुनिश्चित करें, ताकि जो भी गरीब किसान हैं, गरीब लोग हैं, इसका लाभ ले सके।
तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का भी बटन अवश्य दबा दें ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी वह आप तक सबसे पहले पहुँचे। अंत में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।